गुड आफ्टरनून। टुडे वी विल डिस्कस मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन। तो प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सॉलिड मिक्सिंग लिक्विड लिक्विड। इसमें नेक्स्ट हम अभी लोग आज डिस्कस करेंगे। इसका मेन कंटेंट ऑफ दिस सेशन इज मिक्सिंग ऑफ लिक्विड विथ मैकेनिज्म। जो हम लिक्विड मिक्स करते हैं तो उस लिक्विड मिक्सिंग का मैकेनिज्म क्या है, लिक्विड मिक्सिंग के डिवाइसेस क्या है, फ्लो पैटर्न इन इंपेलर मिक्सर, प्रोपेलर, टर्बाइन, वर्टेक्स फॉर्मेशन एंड जनरेशन, ये हमारे सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर होंगे। लिक्विड मिक्सिंग के लिए हम कौन कौन से डिवाइस यूज करते हैं, जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसमें हमारा इंपेलर का टाइप क्या है, उसके वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्रोपेलर क्या होते हैं, टर्बाइन्स क्या होते हैं, जो हमारा वर्टेक्स फॉर्मेशन होता है। तो वर्टेक्स फॉर्मेशन का क्या बेनिफिट है या क्या लॉस है, और हम उसको कैसे वर्टेक्स फॉर्मेशन अपने लिक्विड मिक्सिंग में नहीं होने देंगे, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इस सेशन का, आफ्टर एंड ऑफ दिस सेशन, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर सेशन, स्टूडेंट विल बी एबल टू इनिमरेट वेरियस मेथड्स ऑफ लिक्विड मिक्सिंग। जो हमारे लिक्विड मिक्सिंग के कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन वेरियस लिक्विड मिक्सिंग डिवाइसेस। जो लिक्विड मिक्सिंग के डिवाइसेस हैं उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, एक्सप्लेन द फ्लो पैटर्न ऑफ लिक्विड मिक्सिंग। जब लिक्विड मिक्स होता है तो उस टाइम लिक्विड का फ्लो पैटर्न क्या होता है, और फार्मास्यूटिकल रोल ऑफ प्रोपेलर एंड टर्बाइन्स, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिक्सिंग ऑफ लिक्विड। तो मिक्सिंग ऑफ लिक्विड में जब भी हम कोई चीज मटेरियल मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग के लिए सबसे मैंडेटरी होता है कि हमारा जो फ्लो पैटर्न है मॉलिक्यूल का वो थ्री डायमेंशनल है। जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट थ्री डायमेंशनल होना चाहिए। थ्री डायमेंशनल इसलिए बोला जाता है कि जो हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस है, वो तीनों एक्सिस पे ही मॉलिक्यूल का पार्टिकल का मूवमेंट होगा, तभी इफेक्टिव मिक्सिंग होगी। तो मिक्सिंग ऑफ लिक्विड मैटेरियल में सबसे पहला आता है बल्क ट्रांसपोर्ट। तो बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन गिवन सिस्टम, रोटेटिंग ब्लेड एंड पैडल्स आर यूज। क्या होता है बल्क ट्रांसपोर्ट में, कि लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड, लार्ज पोर्शन ऑफ मटेरियल एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन से ट्रांसफर करना, और वो जो ट्रांसफर हो रहा है एक ही सिस्टम में हो रहा है। जो दूसरा लोकेशन है या उस लोकेशन में हमारा जो गिवन सिस्टम है उस गिवन सिस्टम में हमारा ट्रांसफर, इसमें हम जनरली रोटेटिंग ब्लेड और पैडल यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा टर्बुलेंट मिक्सिंग। टर्बुलेंट मिक्सिंग क्या होता है, जो लिक्विड फ्लो के पहले चैप्टर में जब हमारा लिक्विड का फ्लो होता है उसमें हमने लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो बताया था। तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि टर्बुलेंट फ्लो इज हाईली इफेक्टिव। हाईली इफेक्टिव इसलिए होता है कि जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए ये मिक्सिंग हाईली इफेक्टिव होता है। मिक्सिंग इज ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो विच रिजल्ट इन रैंडम फ्लक्चुएशन ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट विद इन द सिस्टम। जो हमारा रैंडम फ्लक्चुएशन होता है लिक्विड का फ्लूइड वेलोसिटी का, और उसके वजह से ही हमारा मिक्सिंग होता है। फ्लूइड वेलोसिटी एट गिवन पॉइंट चेंजेस इन थ्री डायरेक्शन। जो फ्लूइड की वेलोसिटी है जो हमारा गिवन पॉइंट है उस पॉइंट में तीनों डायरेक्शन में
उसका मोमेंट होता है। इसके बाद आता है लेमिनार मिक्सिंग। लेमिनार मिक्सिंग क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ टू डिसिमिलर लिक्विड थ्रू लेमिनार। जो हमारे डिसिमिलर लिक्विड है उनका मिक्सिंग लेमिनार फ्लो के द्वारा होता है। अप्लाइड शेयर स्ट्रेचेज द इंटरफेस बिटवीन द जेल सुटेबल फॉर लिक्विड व्हिच रिक्वायर मॉडरेट मिक्सिंग। जिस लिक्विड की हमारी रिक्वायरमेंट मॉडरेट रिक्वायरमेंट होती है तो जो हमारा इंटरफेस बनता है लिक्विड दोनों लिक्विड के बीच में जो डिसिमिलर लिक्विड के बीच में जो इंटरफेस बनता है उस इंटरफेस में हमारा शेयर और स्ट्रेचेस होते हैं और उसके वजह से हमारा मिक्सिंग होता है। ये मिक्सिंग हमारा सुटेबल होता है जहाँ पे हमको मॉडरेट मिक्सिंग चाहिए। इसके बाद आता है हमारा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। मिक्सिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल इन विच मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज ड्यू टू थर्मल मोशन। क्या होता है कि जब हम किसी गिवन सिस्टम में हम एनर्जी अप्लाई करते हैं टेम्परेचर देते हैं तो मॉलिक्यूल का रेट बढ़ जाता है, जो उसका मूवमेंट का जो रेट है वो बढ़ जाता है और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर लेवल पर डिफ्यूज होते रहते हैं। ये सिंपल मिक्सिंग डिवाइसेस हैं। इसमें क्या है कि एक कंटेनर है और जो मिक्सिंग डिवाइस है उसमें इंपेलर और बैफल्स लगे हुए हैं। इंपेलर को मूवमेंट के लिए हमारा मोटर या ड्राइव लगा रहता है जिससे इंपेलर का मूवमेंट होता है। और उसी इंपेलर मूवमेंट से हमारे लिक्विड की मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग डिवाइस हमारे डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन द शेप एंड पिच द क्लासिफाइड इंटू थ्री टाइप्स। सबसे पहला होता है प्रोपेलर, उसके बाद टर्बाइन्स एंड पैडल्स। ये तीन तरह के हमारे मिक्सिंग डिवाइसेस होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया? प्रोपेलर, उसके बाद टर्बाइन और पैडल। टाइप्स ऑफ इम्पेलर जो हमने अभी इसके पहले जो दिखाया था जिसके से मिक्सिंग डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। पैडल एग्जाम्पल में हमारा सिंपल पैडल है, टर्बाइन हमारा कर्व ब्लेड होता है और प्रोपेलर स्टैंडर्ड थ्री ब्लेड्स होता है। अब साइज, जो साइज होता है पैडल का, जो वैसे इंटरनल डायमीटर है उस इंटरनल डायमीटर का 50-80% होता है डायमीटर ऑफ द पैडल। जो टर्बाइन होते हैं टर्बाइन का डायमीटर जनरली जो वेसल है वेसल के डायमीटर का 30-50% होता है। और जो प्रोपेलर होते हैं प्रोपेलर का डायमीटर बहुत कम होता है इन जो इंटरनल डायमीटर है हमारा वेसल का उस इंटरनल डायमीटर बहुत कम होता है हमारे टर्बाइन का डायमीटर। इसका यूजेस पैडल के यूजेस जनरली सुटेबल फॉर मिक्सिंग लो विस्कोसिटी लिक्विड के लिए हम यूज करते हैं। टर्बाइन्स का हम यूज करते हैं मिक्सिंग विस्कस लिक्विड थिन प्लेट्स एंड इमल्सन। जो टर्बाइन है ये सुटेबल होता है विस्कस लिक्विड के लिए थिन प्लेट्स के लिए इमल्शन के लिए। और जो प्रोपेलर प्रोपेलर मेनली सुटेबल होता है मिक्सिंग ऑफ हैवी सस्पेंशन मिक्सिंग ऑफ थिन लिक्विड एंड डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड वहाँ पे हम प्रोपेलर का यूज करते हैं। जो पैडल का आरपीएम होता है रोटेशन स्पीड की बात करेंगे तो जो पैडल का आरपीएम होता है जनरली 220 आरपीएम होता है लो स्पीड हम बोलते हैं। और जो टर्बाइन का आरपीएम होता है वो जनरली 120-200 आरपीएम मॉडरेट स्पीड। और प्रोपेलर का हमारा जो स्पीड होता है वो हाई स्पीड होता है 400 आरपीएम से 1750 आरपीएम के।
अगर हम पैडल से मिक्सिंग कर रहे हैं तो पैडल से मिक्सिंग करने में हमारा जो फ्लो टाइप होता है, लिक्विड का जो फ्लो होता है वो टेंजेंशियल और रेडियल दोनों होता है। टर्बाइन में भी टेंजेंशियल और रेडियल होता है, बट प्रोपेलर में हमारा टेंजेंशियल और एक्सियल। विस्कासिटी हम हमारा जो यूज करते हैं, जो हम लोग विस्कासिटी लिक्विड की बात कर रहे थे, तो अप टू 1000 CPS के लिए हम यूज करते हैं, और टर्बाइन यानी 100 CPS के लिए, और प्रोपेलर अप टू 500 CPS के लिए यूज करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फ्लो पैटर्न ऑफ इंपेलर मिक्सर। सबसे पहले जो हमारा इंपेलर मिक्सर है वो किस पर डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है लिक्विड की प्रॉपर्टी, जो लिक्विड की फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड होता है। दूसरा होता है टाइप ऑफ इंपेलर, जो इंपेलर है वो कैसा है, पैडल टाइप है, प्रोपेलर है, टर्बाइन है, इस पर डिपेंड होता है। इसके बाद आता है साइज ऑफ मिक्सिंग टैंक, जो मिक्सिंग टैंक है वो कितने लीटर का है, 1 KL का है, 1 kL का है, 2 KL का है, 500 लीटर का है, तो डिपेंड होता है कि जो हमारा मिक्सिंग टैंक है उसका साइज क्या है, और उस मिक्सिंग टैंक के अंदर बैफेल्स या एजिटेटर प्रेजेंस है कि अब्सेंस है। इन सारी चीज़ों पे हमारा फ्लो पैटर्न डिपेंड होता है। हमने क्या क्या बताया था, सबसे पहले हमने बताया लिक्विड का प्रॉपर्टी, कि वो लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, उसका फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद टाइप ऑफ इंपेलर, जो इंपेलर है उसमें कौन से टाइप का, पैडल है, टर्बाइन है या प्रोपेलर है। मिक्सिंग टैंक का साइज क्या है, कितने लीटर का मिक्सिंग टैंक है, और मिक्सिंग टैंक के अंदर वेफेंस या एजिटेटर का प्रजेंस या एब्सेंस, ये सारी चीज़ें हमारे डिपेंड होती है। इसके बाद हमारा आता है फ्लो पैटर्न, लिक्विड का जो है वो फ्लो पैटर्न क्या होता है। उसमें सबसे पहले आता है टेंजेंशियल रोटेशनल फ्लो। सबसे पहला फिगर आप देख रहे होंगे, तो उसमें फिगर में क्या दिखा रहा है, वो हमारा रोटेशनल फ्लो है। इसके बाद रेडियल फ्लो आता है, एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल फ्लो बोलते हैं। तो हमारा एक्सियल फ्लो फॉर्म जो फ्लो हो रहा है उसके उसके लॉन्गिट्यूड एक्सिस में लगा रहता है, ये रेडियल है, और सबसे पहला वाला जो हमारा टेंजेंशियल फ्लो पैटर्न है। फ्लो पैटर्न ड्यूरिंग मिक्सिंग के दौरान हमारा फ्लो पैटर्न कैसा रहता है, तो सबसे पहले हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट या सर्कुलर। टेंजेंशियल कैसे वर्क कर, एक इसका जो फ्लो होता है वो सर्कुलर मूवमेंट होता है, एक इन द डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्किल ऑफ द रोटेशन अराउंड द इंपेलर शाफ्ट। जो इंपेलर शाफ्ट है उसके चारों तरफ इसका मूवमेंट होता है। जो शाफ्ट है जिस पे हमारा इंपेलर लगा हुआ है उसके चारों तरफ फ्लो होता है, जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं। इफ शाफ्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एंड सेंट्रली, टेंजेंशियल फ्लो फॉलो ए सर्कुलर पाथ अराउंड द शाफ्ट एंड क्रिएट ए वर्टेक्स इन लिक्विड। क्या होता है कि हमारा अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट या सर्कुलर फ्लो होता है तो वो जो हमारा रॉड है वो रॉड के चारों तरफ सर्कुलर मूवमेंट होगा, और ये हमारा क्रिएट करेगा वर्टेक्स। वर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हमारा आता है रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट में क्या होता है, द लिक्विड
discharges from impeller at a right angle to its shaft. जो हमारा शेफ्ट है, शेफ्ट के राइट एंगल में मूवमेंट होता है. ठीक है, सबको क्लियर होगा कि जो हमारा मूवमेंट है ये इम्पेलर है. इस इम्पेलर से राइट एंगल में लिक्विड का ऐसे मूवमेंट हो रहा है. अकर्स व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द इम्पेलर इज ग्रेटर देन लिक्विड रेजिस्टेंस टू फ्लो ड्यू टू विस्कोसिटी. जब इम्पेलर से जो मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट की वजह से जो हमारा सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है, सर्कुलर मूवमेंट होने पर हमारा क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगा. जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है इम्पेलर से, अगर वो लिक्विड विस्कोसिटी से ज़्यादा है, जो लिक्विड का रेजिस्टेंस है फ्लो के अगेंस्ट में, अगर उससे ज़्यादा है तभी हमारा रेडियल कंपोनेंट बनता है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड ऑन पाथ डायमीटर एंड स्पीड ऑफ इम्पेलर. जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पर डिपेंड होता है? डायमीटर और स्पीड ऑफ इम्पेलर पे डिपेंड होता है.